दिवाली के दिन यह काम भूल से भी मत करना, वरना पूरे साल गरीबी भुखमरी सहना पड़ेगी और माता लक्ष्मी हो जाएगी क्रोधित और आपके ऊपर पड़ेगा मुसीबतों का पहाड़। जी दोस्तों, दीपावली बस आने में ही है और दीपावली के दिन हम लोग बहुत से कार्य करते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, परंतु जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हम कर जाते हैं जिससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और हमारे घर में प्रवेश करने की जगह हमसे नाराज हो जाती है और हमारे ऊपर कंगाली और गरीबी आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कौन सी गलतियां, कौन से काम भूलकर भी नहीं करने हैं दीपावली के दिन, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में हम यह कार्य कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, परंतु हम सोचते हैं कि यह तो अच्छी चीज है, परंतु आप नहीं जानते कि इन चीजों से, इन काम को करने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा क्रोधित होती है, आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है भक्तों की भक्ति से, परंतु हमारी ही कुछ गलतियों के कारण माता लक्ष्मी को उतनी ही जल्दी हमसे क्रोध भी आ जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वह सारी चीजें बताएंगे आपको, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह दीपावली का दिन है। दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी पूरे साल का सवाल है। माता लक्ष्मी अगर प्रसन्न हो गई तो दोस्तों वारे न्यारे हैं, गरीब भी अमीर बन जाता है, परंतु माता लक्ष्मी को रुष्ट नहीं करना है, वरना अमीर को समय नहीं लगता है रोड पर आने के लिए, इसलिए यह माता रानी की लीला है। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो से इतने महत्वपूर्ण दोस्तों जानकारियां आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, उसके लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जाए लक्ष्मी माता जय, लक्ष्मी माता जाए, लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। माता रानी का खूब सारा आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, दीपावली का त्योहार हम सुख समृद्धि लाने वाले पर्व के रूप में जानते हैं, लेकिन यह पर्व जहां सुख समृद्धि लाता है, वहीं अगर इसमें कोई चूक हो गई तो दुर्भाग्य का मुंह भी हमें देखना पड़ सकता है। अतः अपनी सुख समृद्धि व धन वैभवता को बनाए रखने के साथ ही आरोग्य भी बनाए रखने हेतु इस दिन कुछ ऐसे कार्य है जो धार्मिक दृष्टि से हमें नहीं करना चाहिए। अतः निम्नलिखित कार्यों को नहीं करना चाहिए अथवा इस प्रकार के कार्य करने से बचना है। सबसे पहला चीज है, दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व गया। दोस्तों, इन दिनों हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखिए कि कुछ लोगों की आदत होती है 9 बजे 10 बजे उठने की, परंतु इन त्योहार वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। माता लक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में हमारे घर में प्रवेश करती है और अगर आप सोते रहेंगे तो माता लक्ष्मी आपको सोता देखकर आपके घर में क्यों आएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सुबह सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर घर में गंगा जल का छींटा लगा दें और अपने दिन की शुरुआत करें। देर से बिल्कुल भी ना उठें। बच्चे हो तो ठीक है, कोई बीमार हो तो ठीक चलता है, परंतु जो बड़े हो चुके हैं, जो लोग अच्छे हैं, उनको तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। और बच्चों को भी आप घर के पीछे वाले कमरे में सुलाएं, घर के पहले रूम में और घर के पूजा रूम में और घर के किचन में बच्चों को सोता नहीं रखना चाहिए। अगली चीज है, दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। दोस्तों, कभी कभी त्योहार की साफ सफाई में, त्योहार की दोस्त तैयारियों में, जाने अनजाने में हम माता पिता का, घर के बुजुर्गों का अनादर कर देते हैं, क्रोध हो जाता है। कभी कभी परिस्थितियां ही ऐसी कुछ हो जाती हैं और माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा लेने के लिए भी कुछ ऐसी ही माया रचती है जिससे वह आपकी परीक्षा लेती है कि आप अपने माता पिता का आदर करते हैं या अनादर। कैसी भी सिचुएशन में तो ऐसी परिस्थितियां बहुत बन सकती हैं आपके घर में कि माता पिता के साथ कुछ हो सकता है जिससे आप उनका अनादर कर सकते हैं। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो माता लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देगी और फिर आपको धन देवी की मनाने के लिए हर तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, परीक्षा तो आपकी ली जाएगी दोस्तों, परंतु ध्यान रखना है कि आपको ऐसी चीजें नहीं करना है। अगली चीज है, दोस्तों, दीपावली के दिन घर में इन गंदगी कूड़ा करकट पड़ा रहने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अतः आज के दिन यानी कि दीपावली के दिन घर को एकदम साफ एवं स्वच्छ रखें। दोस्तों, यूं तो दीपावली 5 दिन का त्योहार है, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली और दोस्तों गुड़ी पड़वा, उसके बाद भाई दूज, इन 5 दिन स्वच्छता बिल्कुल बनाए रखनी है। आपको अगली चीज का ध्यान रखना है
कि दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा सभी घरों में की जाती है। अतः आज के दिन नई झाड़ू खरीदकर माता लक्ष्मी की पूजा में अवश्य रखें। ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए कि दीपावली या फिर अन्य दिनों में भी कभी भी झाड़ू को पैर न लगे। दोस्तों अपनी पत्नी से दूर रहें। कहा जाता है कि दिवाली की रात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके पीछे यह भी वजह हो सकती है कि दिवाली पर रात भर जागने की परंपरा है। माना जाता है कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। अगर आप रात में जगकर माँ के मंत्रों का जाप करेंगे तो आर्थिक तंगी दूर होगी। मांसाहार चीजों से बचें। दिवाली सात्विक त्योहार है। दिवाली के दिन मांसाहारी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घर से तुरंत चली जाती हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते रहते हैं उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए दीपावली के दिन सुबह देर से न उठें। 2. दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो मां लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देंगी और फिर आपको धन की देवी को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। 3. दीपावली के दिन घर में गंदगी कूड़ा करकट पड़ा रहने से भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अतः इस दिन घर को एकदम साफ व स्वच्छ रखें। 4. दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा सभी घरों में की जाती है। अतः इस दिन नई झाड़ू खरीदकर लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। 5. दीपावली के दिन या अन्य दिनों में भी कभी भी झाड़ू को पैर न लगने दें। इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। 6. झाड़ू पर पैर रखना अपशकुन माना जाता है। इसका अर्थ घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना है। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो यह महालक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत है। 9. कभी भी घर में उलटी झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है। 10. पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है, अतः दीपावली के दिन भी अंधेरा होने पूर्व ही घर का कूड़ा कचरा साफ कर लें। पूजा के दौरान की गई गलतियां आपके ऊपर भारी भी पड़ सकती हैं। दरअसल दिवाली की पूजा के दौरान मां लक्ष्मी को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, साथ ही गलतियां होने की आशंका भी कम रहती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि दिवाली पूजा के दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। घर में न करें अंधेरा दिवाली के दिन। घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती, इसलिए घर व पूजा स्थल को जरूर साफ कर लें। साथ ही पूजा के समय घर के दरवाजे बंद न करें। आमतौर पर दिवाली की रात में कुछ लोग घर की लाइट भी बंद कर देते हैं, हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। दिवाली के दिन रात भर घर में उजाला रखें। इस दिशा में रखें भगवान की मूर्ति पूजा के पंडाल में मां लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में रखें। पूजा में चांदी का सिक्का और कमल का फूल भी अवश्य रखें। भूलकर भी मुरझाए हुए फूल को मंदिर में न रखें। फटे पुराने कपड़े न पहने। दिवाली खुशियों का त्योहार है। सबके साथ मिलकर मनाई जाने वाली दिवाली सभी के लिए खास है। इस दिन भूल कर भी फटे पुराने कपड़े न पहने। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने गए हैं, ऐसे में उनको पहनना अशुभ हो सकता है। दिवाली के दिन रंगोली बनाना शुभ माना जाता है, इसलिए घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटा या फिर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करके रंगोली बना सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दिवाली के दिन तोरण लगाना काफी शुभ माना जाता है, इसलिए आम के पत्ते फूल आदि का इस्तेमाल करके तोरण बना लें और इसे घर के प्रवेश द्वार में टांग दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिवाली के खास मौके पर घर और ऑफिस को अच्छी तरह से सजाना चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन करना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन नई झाड़ू की पूजा करने के साथ सफेद रंग का धागा अवश्य बांधें। दिवाली पर प्रवेश द्वार के दोनों ओर दीपक जलाकर जरूर रखें, इसे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। दिवाली के दिन घर का वातावरण शांत रहने दें, ऐसे में किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से बचें। आमतौर पर संध्या बेला में सोना की मनाही होती है, इसलिए दिवाली के दिन भी शाम के समय बिल्कुल भी न सोएं। ऐसा करने से घर से दरिद्रता नहीं जाती है। किसी भी स्त्री का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर के हर एक कोने में दीपक अवश्य जलाएं। कुएं, हैंडपंप, टंकी आदि के पास दीपक अवश्य रखें।
दिवाली की शाम झाड़ू बिल्कुल भी न लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दिवाली के खास मौके पर किसी को भी लेदर, धारदार चीजें या फिर पटाखे न दें। इससे रिश्तों में खटास बढ़ती है। दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजा के दौरान लाल वस्त्रों को धारण करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से की जाती है। वहीं आपके घर या व्यापार में आर्थिक तंगी चल रही है तो दीपावली के दिन कुछ उपाय से ही आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। घर में माता लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहेगी और व्यापार खूब तरक्की करेगी। चांदी के सिक्के दीपावली के दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के बाद चांदी के सिक्के तिजोरी में रखने से आर्थिक लाभ होता है। पीली कोढ़ी, पीली कोड़ी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप दीपावली के दिन पीली कौड़ी को माता लक्ष्मी के समक्ष चढ़ाएं और पूजा समाप्ति के बाद लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें तो साल भर तिजोरी खाली नहीं रहेगी। गोमती चक्र, दिवाली के दिन गोमती चक्र को हल्दी के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। सुपारी, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन में सुपारी को चढ़ाकर कुमकुम लगाएं। वहीं पूजा समाप्ति के बाद सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। हमेशा धन की बरकत होगी चांदी का ठोस हाथी। विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय रहा है, इसीलिए घर में ठोस चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। ठोस चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। मंगल कलश, एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली, स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। सात मुखी दीपक, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष सात मुख व दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी होना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने नौ बाती वाली घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। रंगोली, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है, लेकिन पुरानी परंपरा अनुसार आज भी आंतरिक इलाकों में मांडने बनाए जाते हैं। द्वार, देहरी, चौक और माता लक्ष्मी के पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाए। दीपक, दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं, तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, पांचवां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया पास के किसी मंदिर में, सातवां कचरा रखने वाले स्थान पर, आठवां बाथरूम में, नौवां मुंडेर पर, दसवां दीवारों पर, ग्यारहवां खिड़की, बारहवां छत पर और तेरहवां किसी चौराहे पर। दीपावली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। पूजन थाली, देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर मां की पूजा करें। पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें, धन बढ़ेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियां और एकाक्षी नारियल भी पूजन की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे तिरोजी में रख लें। दोस्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। हम भी दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को तीन चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं, जानिए। सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 12 नवंबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे बुरे प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:04 से लेकर 7:36 तक लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है, इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही करें। पूजा पाठ और स्माइल फैमिली ऑनर
अपने परिवार सहित मुहूर्त पर ही दीपावली पर पूजा करता है। आप भी पर पूजा पाठ करें, बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। स्माइल फैमिली चैनल, वह आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार मां महालक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है, जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती हैं। जय माता लक्ष्मी। मां बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्यौहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना ले। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का वास बना देते हैं, और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रूठ हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धनो धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें। यह गलती हम कर चुका है, इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई तथा छठ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्यौहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछा चाहिए, सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए।
लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। स्माइल फैमिलीज चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं।